हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं भूगजन में एक बॉय डिवर्सिटी पार्क में आया हूँ। मैं भूगजन में तो आपको दिखाता हूँ इसका, जिसका क्लोजिंग होता है एवरी मंडे और 9:30 में मतलब स्टार्ट हो जाता है और 6 बंद हो जाता है भूगजन में। तो आपको शुरू से गेट से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये हो गया बोर्ड, तो ये बोर्ड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड में काउंटर है, ठीक है। और ये इसका बाहर पे ये है, जैसे बैठने वाला जगह है, आसपास में रोड है। तो मैं आपको अंदर ले जाके दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपको साइनबोर्ड वगैरह है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसको देख सकते हैं ये बोर्ड को आप अच्छे से। अभी फ़िलहाल मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ आप लोगों को। जैसे ये मतलब बहुत ही देखने में अच्छा है और अच्छा है भूगजन का अंदर में। भूगजन असम बोलते हैं जिसको, तो मतलब ये असम में ही है। तो मैं आपको फुल घुमा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स मेरे साथ में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे चारों तरफ में फूल वगैरह लगाया हुआ है और अंदर में एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। इसमें बोर्ड का भी है, जिसमें बोर्ड में एक आदमी का मतलब चालू कर रहा हूँ। जिसे मैं इस साइड से मैं आपको दिखाना चालू कर रहा हूँ। तो ये दाना तरफ का है, ये चारों तरफ से फूल लगाया हुआ है। ये असम भूगजन बोलते हैं इसको। तो आपको मैं एक तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, दोनों तरफ में बगान लगाया हुआ है। बच्चा लोग के लिए झूलना वगैरह भी है। आपको आगे का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये बच्चा लोग को झूला झूलने के लिए है। ये बीच में एक बोर्ड भी है, जो बोर्ड में एक आदमी का उसमें आपको पूरा पहले दिखा लेता हूँ एक बार। ये बोर्डिंग के लिए है, बीच में फ्लावर वगैरह लगाया हुआ है। मैं आपको बोर्ड की तरफ से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बोर्ड है जिसमें एक आदमी का 20 है, इसमें 4 आदमी बैठ सकता है, 2 आगे 2 पीछे, दोनों सेम है। तो आपको बोर्ड का नज़ारा दिखा रहा हूँ। और इसका ये बॉय डिवर्सिटी पार्क है, जिसका क्लोजिंग आपको एवरी मंडे और सुबह 9:30 से स्टार्टिंग होगा और शाम को 6 बंद हो जाएगा भूगजन पे। तो दोनों तरफ से बैठने का जगह है। और ये आपका जो बोर्डिंग का जो बनाया हुआ है बोर्डिंग चलने के लिए, उस जगह पर वो तालाब जैसा है, उसका दोनों तरफ से फ्लावर लगाया हुआ है। आगे लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों तरफ में जगह बनाया हुआ है बैठने का, कुछ झूलना वगैरह भी बनाया हुआ है, छोटा बच्चों को खेलने का भी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग भी देख सकते हैं। जैसे ये असम भूगजन बोलते हैं इसको, धूप ज़्यादा होने के कारण आप लोग को पूरा क्लियर दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये मैं पूरा आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। तो आपको आगे जाके एक बोर्ड और मिलेगा, जैसे ये बाया तरफ में तालाब में एक बोर्ड है, ये बाथरूम वगैरह है जिसमें पे यूज़ लिखा हुआ है। तो ये देखिए बोर्ड, जिसमें 4 आदमी बैठ सकता है, इसमें 2 आगे 2 पीछे हैं। तो मैं एक बार बोर्ड का तरफ अपना लेके दिखा रहा हूँ एक बार। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये 4 का है,
एक दो तीन चार आदमी का है, और ये मिडिल का तरफ है। तो आपको फिर से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे ये एंट्री है, ये बोर्ड में घुसने के लिए एंट्री है। तो मैं आपको फिर यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये बाथरूम वगैरह भी है, लेडीज़ जेंट्स अलग अलग लिखा हुआ है, जेंट्स का अलग लेडीज़ का अलग। कुछ फ्लावर वगैरह भी लगा हुआ है, और चारों तरफ से आपको आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और बुगजन असम पे है ये, बच्चा लोग कूद रहा है खेल रहा है। तो मैं वापस निकलते वक्त आपको इस तरफ का दिखा रहा हूँ, जिसे ये फेयर एंट्री विद। अब डाइनर तरफ में मुझे कुछ और देखने को मिला, तो मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, जिसे आपको एक तरफ से दिखा रहा हूँ। ये गार्डन का एंट्री के तरफ से आपका राइट साइड है, जिसमें झूलना वगैरह है। ये देखिए जो झूल सकता है जिसमें। ये आपका झूलना झूल रहा है। ये दोनों तरफ से फ्लावर वगैरह लगाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। मैं तो आज पहली बार आया हूँ यहाँ, तो सोचता हूँ मेरा व्यूवर्स लोग को दिखाने के लिए एक ब्लॉग बना लूँ, जिससे ये बैठने का जगह है। और ये पाम घास बोलते हैं इसको, देखिए ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो मतलब ये देखिए, मैं आपको एक साइड से आपको लेके जा रहा हूँ, जिससे यहाँ पे आपको बैठने का जगह है, और ये आगे की तरफ से ये चलने के लिए बनाया हुआ है। तो लेफ्ट राइट साइड दोनों तरफ से चलने के लिए बनाया हुआ है। तो आपको दिखा रहा हूँ, जिसे जैसे क्रिसमस ट्री का जिसे बनाया हुआ है, ये पाम घास है। तो व्यूअर्स मेरे साथ में बने रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ अपडेट आपको। ये एक पेड़ बहुत ही सुंदर नज़र है, जिसको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कुछ मूर्ति वगैरह भी बनाया हुआ है, कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये पाम जैसे बच्चों लोग के लिए झूलना एक तरफ, एक लाइट तरफ में, लेफ्ट तरफ में भी। तो व्यूअर्स देखिए, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो संडे में भी आते हैं। और ये बच्चा लोग, देखो ये बच्चा झूल रहा है। तो ये बुगजन असम बोलते हैं इसको, आप लोग भी आके इसका मज़ा ले सकते हैं। ये बच्चा निकल गया, और आपको चारों तरफ से रास्ता है क्रॉस का जैसा बनाया हुआ है चारों तरफ से। ये आपको फिर एक लास्ट की तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, इधर में बुगजन का पीछे तरफ है। ये देखिए बच्चा लोग को झूलने के लिए है, आप देख सकते हैं। आपको मैं झूला के दिखा रहा हूँ इसको। तो ये बच्चा लोग को झूलने के लिए है, आपको चढ़ के दिखा रहा हूँ। और यहाँ मूर्ति भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका अंदर का नज़ारा। मेरा वीडियो शायद थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखना ज़रूर, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा आपको, जो मतलब असम का अंदर में ये छोटा मोटा एक बुगजन है, जिसको मतलब हर इंसान छोटा मोटा ही मतलब सोचते। देखिए यहाँ पर भी कुछ है, ये आपको बीच में एक देखिए चारों तरफ में स्कोर्स क्रॉस का जैसा बनाया हुआ है, इसका बीच में एक गड्ढा भी है, देखने में कितना अच्छा है। जिस टाइम पानी जमा रहेगा उसमें बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो देखिए मैं आपको एक साइड से आपको दिखा रहा हूँ। तो व्यूअर्स देखते रहिए आप, मेरे साथ में बने रहिए, आपको उसका और भी क्या क्या खूबी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये एवरी मंडे को बंद रहता है, जैसे एक बच्चा झूल रहा है, और एक यहाँ भी ये झूलने का है, दोनों तरफ वेट वगैरह करने के लिए है, झूलने के लिए है। एक दोनों तरफ झूलना है, इसका क्लोजिंग एवरी मंडे है, और 9:30 में स्टार्टिंग होगा इसका, और 6 बजे तक बंद है, जिसको
भोगाजन बोलते हैं। फिर मैं अब तालाब का उस साइड से मैं आया था अभी फ़िलहाल, अभी यहाँ से निकल के आपको फिर दिखा रहा हूँ, जिसे यहाँ भी बच्चे लोग का खेलने का है। यहाँ भी एक झूला हुआ है, कुछ बना वगैरह बज रहा है, देखिए झूलने का रहा। तो भाई पीवर आप लोग भी आके इसका मज़ा उठाइए, ये गार्डन बहुत ही मस्त है। आप लोग आइएगा तो आपको भी मनोरंजन होगा, आप भी उसका मज़ा ले सकते हैं। इसका बोर्डिंग का चार्ज है, एक आदमी का 20 रुपये है और उसमें 4 आदमी बैठ सकता है। तो इसके लिए मतलब यहाँ तक मैं व्यूवर्स को मैं अपना वीडियो को यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो हाय व्यूवर्स, आप भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और आग भी आके यहाँ से इसको देख के इसका मज़ा ले सकते हैं। कुछ गाना वगैरह भी बज रहा है कंटर में। तो थैंक यू व्यूवर्स, हाय एवरीवन।